राजस्थान में हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रदेश में आज जारी हो सकती है अनलॉक की गाइडलाइन। अनलॉक में बहुत ज्यादा छूट मिलने की भी संभावना अभी नहीं जताई जा रही है। आपको बता दें कुछ पाबंदियां इस अनलॉक में हटाई जा सकती है। अनलॉक की गाइडलाइन तैयार करने में गृह विभाग अब जुटा हुआ है और देर शाम मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ये गाइडलाइन जारी की जा सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही है अनलॉक के चलते पहले चरण में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी दुकानों के समय का खुलने का जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है। कम केस वाले जिलों में ये छूट ज्यादा दी जा सकती है और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों को भी छूट मिल सकती है। इस गाइडलाइन के तहत 11 जिलों से दूसरे जिले में जाने वाले रोग को भी हटाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार मिनी अनलॉक की तैयारी जो है सरकार अब कर रही है, इसको लेकर गाइडलाइन जारी की जा सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ सुशांत पारिक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे। सुशांत जी, एक बड़ी खबर, मिनी अनलॉक की तैयारी में है गहलोत सरकार, क्या जानकारी? देखिए, अब चूंकि केस लगातार कम हो रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार कम है, मौतों का आंकड़ा भी कम है, राज्य सरकार जो कोशिशें कर सकती है संसाधनों को बढ़ाने की वो लगातार कर रही है। ऐसे में अब मंत्री समूह की ओर से भी, व्यापारियों की ओर से भी, जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से भी सुझाव दिया गया कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर छूट दी जा सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा बंदिशों को नहीं हटाया जाएगा, हो सकता है कि राशन की दुकानों का सामान जो खरीदने का समय है उसकी अवधि बढ़ा दी जाए, गर्मी के मौसम को देखते हुए एसी कूलर रिपेयरिंग की दुकानों को छूट दी जाए या इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान को छूट दी जाए, पेट्रोल पंप की खुलने की अवधि बढ़ा दी जाए, एक जिले से दूसरे जिले में जो है आवागमन निजी वाहनों से शुरू कर दिया जाए, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में जाने की अनुमति मिले, ये कुछ ऐसी छूट है जिन पर विचार किया जा रहा है। सीएम ने ये कहा है गृह विभाग को कि आप गाइडलाइन तैयार कीजिए और जब वो एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे उसके बाद फिर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से ही राज्य सरकार जो है वो छूट देगी, एक साथ अनलॉक नहीं होगा। ये राज्य सरकार को भी पता है कि खतरा फिर से लौट सकता है, तीसरी लहर की आशंका है, बच्चों को लेकर जिस तरह का सेट है, ऐसे में पूरी आशंका जो है, पूरी संभावना जो है, तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद ही राज्य सरकार कोई फैसला लेगी। फिलहाल इस संबंध में जो है गृह विभाग में मंथन का दौर जारी। ठीक है सुशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार आज सरकार मिनी अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। जिन इलाकों में, जिन जिलों में केसेस कम है वहां पर छूट का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है। आवागमन को लेकर भी सरकार छूट दे सकती है। रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने का जो समय है वो भी बढ़ाया जा सकता है। और इस बीच बड़ी